सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि क्रोध को कैसे वश में करें। देखिए, क्रोध जो होता है अग्नि रूप होता है। क्यों कहते हैं क्रोधाग्नि? क्योंकि क्रोध अग्नि रूपक होता है, अग्नि का सूचक होता है। इस कारण से क्रोध सदैव विनाश का कार्य करता है। क्रोध में व्यक्ति कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता है जो उसके लिए हितकारी हो। क्रोध सदैव अहित करने वाला होता है। और सभी ये जानते हैं कि हम जब क्रोध करेंगे तो फिर हमारा सभी तरीके से नुकसान होगा, सर्वदा अहित ही होगा। परंतु कई लोग कहते हैं कि महाराज, क्रोध को कैसे शांत करें, कैसे अपने वश में करें। अचानक से हमें कुछ कोई बोल दे या कोई बात हो जाए तो हमें बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, बहुत तेज क्रोध आ जाता है। तो कैसे शांत करें इस क्रोध को, कैसे वश में करें? देखिए, क्रोध को वश में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है। कैसे? यदि हम इसे समझेंगे बड़ी बात तो ये बड़ी बात रहेगी, और छोटी बात समझेंगे तो छोटी बात रहेगी। अर्थात ये है कि क्रोध को यदि वश में करना है, नियंत्रित करना है, तो अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम आपको चिंतन शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी। संकल्प शक्ति और चिंतन शक्ति, ये दो शक्तियां यदि आपके पास हैं तो आप किसी भी अवगुण पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी, किसी को होता है कि हमें इस चीज का नशा है, कैसे छोड़ें, हमें क्रोध बहुत आता है, हमें ये, हमारे अंदर ये अवगुण है, जो भी अवगुण हो आपके भीतर, यदि आपकी चिंतन शक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत है, प्रबल है आपकी चिंतन शक्ति, संकल्प शक्ति, तो फिर आप किसी भी अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं और किसी भी अवगुण का त्याग कर सकते हैं। तो आज से यदि वास्तविकता में आपको क्रोध को वश में करना है, तो आज से जब भी आपको क्रोध आए, तो क्रोध आते ही क्या करिए? कुछ नहीं, सामने वाला आपको कुछ ऐसा बोला कि सामने वाले की बात सुन के आपको क्रोध आ रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आपस में दो मित्र हैं, आपके मित्र ने आपसे कुछ कहा, आपको क्रोध आ गया। अब उस समय आपके सामने दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति जो अक्सर करके लोग अपनाते हैं और इसी कारण से उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, इस क्रोध रूपी अग्नि में वो घी की आहुति का काम करता है। वो जब क्रोध आ जाता है तो अपने क्रोध को वो इतना बोल लेते हैं कि उस क्रोध से और क्रोधाग्नि भड़क जाती है। अब क्रोध में आके आप अच्छा तो बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ अपशब्द निकलेगा। अब आप जिससे बोल रहे हैं, सामने वाले को भी बुरा लगा, उसने भी क्रोध में कुछ कहा, ऐसे बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ जाती है। तो इसका समाधान क्या है? जब सामने से आपको कोई बोल रहा है तो क्रोध तो आपको आएगा, ये सहज स्वभाव है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्रोध सबको आएगा। लेकिन उस समय करना क्या चाहिए? कुछ नहीं, अपने नेत्र को बंद करें और नेत्र को बंद करके दीर्घ श्वास लें। दीर्घ श्वास ले लिया आपने और बस शांति से सुने, प्रयास करें। हो सकता है एक बार में आप सफल ना हो, दो बार में ना हो, तीसरी बार में ना हो, चौथी बार में हो ही जाएंगे। प्रयास करें कि एक शब्द ना बोलें, और जब आप एक शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, सामने वाला कितना बोलेगा? 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, इससे अधिक ऊर्जा किसी के भीतर होती ही नहीं है। कि सामने से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो बिना प्रतिउत्तर के हम बोलते जाए, शांति से आप सुनते जाइए। और जब वो सारी अपना क्रोध उतार ले, तो यदि स्थिति हो तो वहां से आप चले जाइए। अब जब व्यक्ति शांत होगा, देखिए कोई भी स्थिति हो उसका परिणाम होता है शांति। तूफान होता है, इतना भयानक तूफान आता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? शांति। समुद्र में सुनामी आती है, सुनामी सब कुछ नष्ट कर देती है, लेकिन परिणाम क्या होते हैं? शांति। ऐसे क्रोध है हमारा, क्रोध बहुत तेजी से आता है अग्नि का रूप लेकर, कुछ नष्ट करता है परंतु परिणाम में शांत हो जाता है। क्योंकि हमारा सहज स्वभाव ही शांत है, हम परम शांत परमात्मा के अंश हैं।
परमात्मा का रूप कैसा है? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। देवराजेंद्र कह रहे भगवान को कि प्रभु आप शांत स्वरूप हैं। तो शांत स्वरूप परमात्मा के हम अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उस परमात्मा के अंश होने के कारण परिणाम तो शांति ही है, परंतु ये शांति आपके ऊपर निर्धारित है, आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कब इस शांति को स्वीकार करते हैं। पूर्व में स्वीकार करके आप अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करते हैं, या क्रोध से वशीभूत होकर के, क्रोध से पराजित होकर के आप कुछ न कुछ अपनी हानि कर लें, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो श्रेष्ठ तो यही है कि हम पूर्व में उस शांति को ग्रहण कर लें, और वो शांति जो आपकी है वो आपके जीवन में तो शांति लाएगी ही। अभी तो जब वो सामने वाला शांत होगा तो उसके हृदय में ग्लानी होगी कि मैंने इतने अपशब्द कहे पर उन्होंने एक अपशब्द नहीं कहा, शांति से सब सुन लिए। तो उसके हृदय में जो भी द्वेष रहेगा वो सारा द्वेष नष्ट हो जाएगा और प्रेम उत्पन्न होगा। इसी कारण से कभी भी क्रोध आए तो दीर्घ श्वास लेकर के शांत करने का प्रयास करें, और तुरंत चिंतन, ये तो सदैव चिंतन करते रहें जब भी क्रोध आए कि नहीं क्रोध नहीं करना है, नहीं क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध हमारे लिए अहितकारी है। तो इस प्रकार से क्रोध से हम बच सकते हैं और क्रोध को अपने वश में कर सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पे मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पे भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।